हाय एवरीवन, दिस इज मी अंजलि एंड यू आर वाचिंग अंजलि बेस व्लॉग। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, मतलब स्पेशल होने वाला है आपके लिए भी, क्योंकि एक नया सदस्य जुड़ने जा रहा है हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ, जो हमारे घर में आ चुका है अब। तो अभी तो वो मंदिर में है, आपको उनसे थोड़ी देर में मिलाती हूँ। तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो उससे पहले अगर आपको उससे मिलना है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब तक मैं नहा के आती हूँ। अभी तो वो मंदिर में मम्मी के साथ, तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में मिलाती हूँ आपको उससे। तो दोस्तों, मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब टाइम है वो नए सदस्य जो हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ने वाले हैं उससे मिलने की। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था, वो मम्मी के साथ मंदिर में है। सो चलो मंदिर चलते हैं, बट साइलेंट, क्योंकि मम्मी पूजा कर रही है। बस मम्मी लोग की पूजा खत्म होने देते हैं, उसके बाद अच्छे से मिलाएंगे। पता, आपने समझ तो गए होंगे आप क्या है वो, तो मतलब फिर बाद में अच्छे से बताऊंगी। और आज एक और खुशखबरी है कि आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में उनको हैप्पी एनिवर्सरी विश कीजिए और मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। चलो मिलते हैं। सो दोस्तों, फाइनली मैं आपको मिलाने जा रही हूँ, तो देखिए। तो मम्मी इसमें सास्तुक बना रही है और यही हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं। मेरा नया गिम्बल आया है। सो विश मी लक, मम्मी सास्त्विक बना रही है। या सास्त्विक जी है ना, खूब तरक्की करे। थैंक यू मम्मा। जय हो। जिंदगी में मुझे नई सक्सेस मिले, जय हो। सो फाइनली आप सदस्य मिल चुके हैं, तो आपको कैसा लगा मेरा नया सदस्य यूट्यूब फैमिली का नया मेंबर? तो आज मम्मी की एनिवर्सरी है और पापा यहाँ नहीं है। पापा वैसे भी आर्मी वाले कहाँ होते हैं यार, कभी भी कुछ भी काम में है ना अम्मा। तो मम्मी से विश कीजिएगा सब। मम्मा हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। सो आपको अब उस नए सदस्य से रूबरू कराते हैं, तो यहाँ मेरे सामने ही रखा हुआ है। सो मिलिए कोडक XT1 स्मार्टफोन गिम्बल से। सो अब इसे हम अनबॉक्स करते हैं। जैसे इसकी पूजा तो हो चुकी है, बट फिर से मैंने बंद कर दिया ताकि मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो बना सकूं। तो अब हम अनबॉक्स करते हैं इसको। तो प्यारी सी पैकेजिंग की हुई है, अब हमने इसे खोल दिया है और सो पूरा अच्छा सा एक बैग दे रखा है पूरे प्रोटेक्शन के लिए। इसके जिपर भी है इसमें, जाओ पूरा गिम्बल का शेप दे रखा है एकदम तगड़ा वाला। सो अब खोलते हैं इसे। कोडक एक मैनुअल बुक है, यूजर मैनुअल, इसमें सारा इसका दिया होगा। सो ये मम्मी का सास्त्विक जी ने ये रहा हमारा कोडक XT1 स्मार्टफोन गिम्बल। इसको अभी यहाँ पर साइड में रख देते हैं। क्या क्या चीज़ें दी हैं, एक केबल दे रखा है चार्जिंग के लिए, एक स्मॉल ट्राइपॉड ताकि मैं इसको कभी भी कहीं भी रख के वीडियो शूट कर सकूं, और एक स्ट्रिंग दी है अगर मुझे कभी मन करे कि मैं इसमें स्ट्रिंग लगा दूँ अपने गिम्बल में। यहाँ ये एरिया दिया है ताकि मैं इसे मतलब होल्ड कर लूँ इसे हाथ से। अभी इस मैनुअल की मदद से मैंने थोड़ा ज्ञान लिया है, तो मैं आपको भी वो ज्ञान बांटना चाहूँगी। इसका रियल अमाउंट वैसे 11,999 है, बट ये हमें अच्छे खासा डिस्काउंट में मिल गया, 6,500 रुपीज़ में मिल चुका है हमें ये। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये थोड़ा डिस्काउंट मिल गया, तो अच्छी रेट में मिल चुका है मुझे। और चलो अब हम
अपने गिम्बल्स गिम्बल को देखते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। चलो लेट्स सी। तो दोस्तों मेरे सामने अभी रखा है कोडक XD1 स्मार्टफोन गिम्बल। तो अभी हम इसके पार्ट्स बताएंगे क्या क्या हैं। सो ये रहा हमारा मोबाइल स्मार्टफोन होल्डर। इसमें तीन हमारे मोटर हैं, एक पहला मोटर यहाँ है, दूसरा मोटर यहाँ है एंड तीसरा मोटर यहाँ है। ओके और ये सामने जो दिख रहा है ना, ये रहा हमारा बैलेंस स्क्रू। मतलब जब हम होल्डर में इस स्मार्टफोन होल्डर में अपना फ़ोन रखेंगे तो फिर हम इसको टाइट कर लेंगे कि उस एरिया में ही ये एडजस्ट होके रहे और इधर से उधर ना हो। और दोस्तों जो ये सामने आप देख रहे हैं हमारे स्मार्टफोन होल्डर के पीछे जो स्क्रू टाइप की कैप जैसा दिख रहा है, ये ऐसे खुलने के बाद ये ऐसे हिलता रहेगा, ये हिलता हुआ दिख रहा है आपको। तो हम इसको अगर हम टाइट कर दें एडजस्ट करके, एकदम टाइट करने के बाद ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। तो ये इसका वर्क है। और दोस्तों जो ये बटन दिख रहा है आपको, ये बटन अगर आप अपने इसको अपने गिम्बल को ब्लूटूथ से कनेक्ट करो तो आप यहाँ से अगर ये प्रेस करोगे तो यहाँ से आपका वीडियो स्टार्ट और ऑफ हो जाएगा। और ये ऊपर जो है इससे आप चार्ज कर सकते हो अपना मोबाइल फ़ोन को, इस केबल से यहाँ पर जो केबल लगेगा चार्ज भी कर सकते हो मोबाइल फ़ोन को। और यहाँ से आप गिम्बल को चार्ज कर सकते हो USB की मदद से, यहाँ पर गिम्बल को चार्ज कर सकते हो और यहाँ से मोबाइल फ़ोन को। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा पावर का बटन। तो अब हम आपको ऑन करके दिखाएंगे और ये LMH जो चार्ज शो करेगा। और ये तीन मोड है, HF मोड और LF मोड। तो ऑन करके दिखाओ, प्रेस करना है लॉन्ग ये। अब हमारा ये ऑन हो गया है। सो जो बीच में आपको दिख रहा है ये जॉयस्टिक है, इससे आप डायरेक्शन मतलब अपना गिम्बल का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। करो ये आ गया मेरे साइड में, अब उस साइड करो। इधर को कर, हाँ जो ये आपको ये बीच में कुछ स्केल टाइप की दिख रही है, इसकी मदद से अगर आप इसका एक ऐप है अगर आप उसे डाउनलोड कर लो और फ़ोन से उसे कनेक्ट करो इसके साथ, तो इससे आप अपने जो मतलब जिसको शूट कर रहे हो जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। बट मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं, क्यों लंबी लंबी। सो दिस इज़ माई न्यू गिम्बल, आई एम सो हैप्पी। अब मैं इससे अब न्यू व्लॉग्स मेरे नए गिम्बल में ही आएंगे, पर अभी मैं इतनी ज़्यादा मतलब यूज़ तो नहीं हूँ, मतलब अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस गिम्बल को यूज़ करने के लिए। चलो अब दिखाती हूँ इसका क्या क्या काम है, कितना स्टेबल मेरा वीडियो बन रहा है। बाहर बहुत हवा चल रही तो बाहर ही चलते हैं। और ये देखो चिड़िया का घोंसला दिखाऊंगी मैं, कितनी तेज हवा चल रही। भाई ने आज मैगी बनाई है मेरे लिए, थैंक यू भैया, वेलकम। बेचारे को आज जुकाम लग गया। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स।